Hello to all. Chapter 15, To Autumn, written by John Keats. John Keats एक romantic poet थे जिनका जन्म 1795 में हुआ. Ode to Autumn इनकी last poetry थी, इसके बाद में इनकी death हो गई थी. Ode का मतलब poem, जो कि poet के किसी व्यक्ति के प्रति feelings और विचारों को express करती है. This is what a basic mean of ode. इस poem में total 3 stanzas हैं, जिसको हम वन बाय वन स्टैंजा बाय स्टैंजा करके समझेंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट स्टैंजा नंबर वन, लाइन वन सेज, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस. ऑटम सीजन में बादल एक कोहरे की चादर ओढ़े रहते हैं, जिसमें विजिबिलिटी कम हो जाती है. मेलो का मतलब माइल्ड, मीन्स हल्का, एंड फ्रूटफुलनेस मतलब जब ज़्यादा मात्रा में पैदावार हो जाती है. इस मौसम में हर चीज़ ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है, धरती ज़्यादा मात्रा में फल और दूसरी चीज़ें उगाती है. दिस इज़ व्हाट अ मीन ऑफ दिस लाइन. नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड द सेकंड लाइन, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन. बॉसम फ्रेंड का मतलब है क्लोज फ्रेंड. यहाँ ऑटम को सूरज का पक्का दोस्त बताया गया है. मैच्योरिंग सन, जब सूरज की रोशनी बादलों में कोहरे की वजह से कम हो जाती है. कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद फूड द वाइन्स दैट राउंड द थैच ईव रन. इसका मतलब ऑटम सूरज के साथ मिलकर जो छत के ऊपर चमक रहा है, प्लान करती है अंगूरों की बेलों को अंगूरों से लादने के लिए. थैच कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं जो घर की छतों के ऊपर छतों को कवर करने के लिए लगाए जाते हैं. एंड ईव्स मीन्स छत के छज्जे से घुंघराले बालों की तरह लटकती हुई बेलें, जैसा कि आप सेकंड इमेज में देख सकते हैं. घरों की छतों पर से नीचे लटकती हुई बेलों को अंगूर से लादने की प्लानिंग ऑटम और सूरज एक साथ कर रहे हैं. टू बैंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज एंड फिल ऑल फूड विद राइपनेस टू द कोर. ज़्यादा मात्रा में कॉटेज ट्री के ऊपर एप्पल के उग जाने से पेड़ उसके वजन से झुक गए हैं. सारे फल अब अंदर तक पक चुके हैं और अब वो तोड़े जाने के लिए तैयार हैं. टू स्वेल द ग्राउंड एंड प्लम द हेजल सेल्स विद अ स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर. लौकी, खीरे, कद्दू और तरबूज, ये सब गार्ड की कैटेगरी में आते हैं. हेजल सेल्स मींस अखरोट. तो ये सब फूल गए हैं और इनका साइज इनके लास्ट स्टेज तक पहुँच गया है. बेर, अखरोट, बादाम पूरी तरह से पक गए हैं, जिससे उनके अंदर मिठास आ गई है और फूलों की कलियां खिल के फूल बन गई हैं. एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द वीज अंटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर चीज फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिम द क्लैमी सेल्स. गर्मी ने फल और फूलों को इस तरह पका दिया है कि अब वो पेड़ से टूटकर गिरने को तैयार हैं और तब तक पकाती रहेगी जब तक वो गर्मी से फूट ना जाए. मधुमक्खियाँ फूलों की मिठास को चूसकर उससे शहद बनाएंगी. स्टैंजा नंबर टू, हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट अमिड द स्टो. इसमें पोएट एक पतझड़ की देवी की बात करते हैं और कहते हैं कि हे पतझड़ की देवी, तुम्हें और तुम्हारे काम को कौन नहीं जानता. सम टाइम हूएवर सीक अब्रॉड मे फाइंड दी सेटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनी फ्लोर. विच मीन्स हर जगह ढूंढते हुए घर से दूर ऑटम को एक ग्रेनी फ्लोर पर बिना किसी की परवाह किए बैठे देखा है. यह वो जगह है जहाँ अनाज को लाया जाता है और उसे कूट कूट कर बाद में उसे फटक कर दोनों को अलग किया जाता है. Thy hair soft lifted by the winnowing wind. ये एक खुली जगह है जहाँ हवा चल रही है और हवा में ऑटम के लंबे लंबे बालों को उड़ते हुए दिखाया गया है. इससे हमें पता चलता है कि इस पोयम में ऑटम को एक विमेन की इमेज में दिखाया गया है, क्योंकि इसके बाल लंबे हैं. विनोइंग विंड का मतलब है हवा से अनाज का भूसा अलग किया जाता है. उस हवा से ऑटम के मुलायम बाल भी उड़ रहे हैं. और ऑन अ हाफ रीड फरो साउंड स्लीप ड्राउज विद अ फ्यूम ऑफ पॉपीज व्हाइल दे टुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेथ एंड ऑल इट्स ट्विंस फ्लावर्स. खेत में हल चलाकर बनाई हुई क्यारियों में जहाँ फसल को काट कर रखा जाता है, वहाँ ऑटम को गहरी नींद में सोते देखा है. अफीम के पौधों पर लगे फूल की नशीली महक उसकी नाक में जा रही है, जिससे वो एकदम बेहोश हो रही है. फसल की कटाई के समय कुछ मुड़े हुए फूल कटने से बच जाते हैं. एंड समटाइम लाइक ए ग्लीनर दाउ डस्ट कीप स्टेडी द लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक. ऑटम को ग्लीनर के रूप में भी दिखाया गया है,
ग्लीनर वो व्यक्ति होता है जो फसल की कटाई के बाद फल और सब्जियां जमीन पर पड़े रह जाते हैं उन्हें इकट्ठा करके सर पर रखकर छोटी सी नदी को पार कर रहा है। और बाय अ साइडर प्रेस विद पेशेंट लुक द वॉचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स। ऑटम साइडर प्रेस को देख रही है। साइडर प्रेस एक मशीन होती है जिसमें से एप्पल जूस निकालकर उसकी शराब बनाई जाती है। एप्पल से निकलते जूस की पूरी प्रोसेस को ऑटम घंटों घंटों तक बैठे देखती रहती है। नाउ द लास्ट एंड थर्ड स्ट्रेंजर, वेर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग्स आई वेर आर दे Think not of them, thou hast the music too. यहाँ कुछ वर्ड्स का यूज़ किया गया है जैसे A-Y-A. यहाँ A का मतलब है a sad exclamation, मतलब एक sudden sad reaction. Sad expression देकर speaker question करता है कि कहाँ गए इस spring season के वो song जो अभी तक सुनाई नहीं देते। Spring के music को miss करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि autumn का भी अपना music है। While barred clouds bloom the short dying day and touch the stable plains with rosy hue. इसमें while barred clouds bloom the short dying day, इसका मतलब जब सारा दिन खत्म होता है शाम को सूरज के डूबते टाइम आसमान में कलरफुल एंड पंची लाइट्स की पट्टियाँ दिखाई देती हैं as you can see in first image. Now, talking about and touch the stable plains with rosy hue. Rosy जिसको हम बोलते हैं इट इज़ जस्ट लाइक अ कलर इन पिंक शेड। स्टबल का मतलब होता है छोटे छोटे जो ठूंठ होते हैं जिसको आप इस इमेज में देख सकते हैं, फसल की कटाई के बाद में जो नीचे बच जाते हैं उसको हम स्टबल बोलते हैं। इसका मतलब फसल कटने के बाद जमीन में छोटे छोटे डंठल दिखाई देते हैं जिसका कलर गुलाबी हो गया है। देन इन अ वेल फुल चोर द स्मॉल ग्नेट्स मॉन। यहाँ कुछ वर्ड्स का यूज़ हुआ है ग्नेट्स। ग्नेट्स को हम बोलते हैं कीट पतंगे, इमेज में आप देख सकते हैं। मॉन का मतलब होता है शोक से भरी हुई आवाज़, दुख में निकाली गई आवाज़। और एक वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है वेलफुल। वेलफुल का मतलब होता है चिल्लाना या फिर चिल्लाने से भरा हुआ। तो इसका मतलब कीट पतंगे इकट्ठे होकर एक संगीत मंडली बनाते हैं और शोक गीत गाते हैं। वो उदास हैं क्योंकि अब समर और दिन का अंत होने जा रहा है। अमंग द रिवर सैलोज ब्रोन अलॉफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट लिव्स और डाइज, विच मीन्स कीट पतंगे नदी के किनारे पर लगे पेड़ के पास हवा में ऊपर नीचे उड़ते हैं और जैसे ही हवा बंद हो जाती है तो वो नदी में डूब जाते हैं एज यू कैन सी इन सेकेंड इमेज। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्न, 6 महीने का मेमना पहाड़ से तेज आवाज में मिमियाता है। हैच क्रिकेट सिंग्स एंड नाउ विद अ टेरिबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट फ्रेसल्स फ्रॉम द गार्डन क्रॉफ्ट। झाड़ियों से बनी दीवार के ऊपर झिंगुर अपने पंखों को रगड़ रगड़ कर जोर से आवाज करते हैं और रेड ब्रेस्ट एक रॉबिन का नाम जो कि एक चिड़िया है जो इंग्लैंड में पाई जाती है। गार्डन क्रॉफ्ट जो घर से बाहर सब्जियां उगाने का बगीचा है, तो रॉबिन चिड़ियां बगीचे में बैठकर जोर जोर से सीटी बजाती है। एंड गैदरिंग सोलोस ट्विटर इन द स्काइज। सोलोस एक माइग्रेटिंग बर्ड है जो ठंड में एक से दूसरी जगह तक उड़कर चली जाती हैं। सोलोस चिड़ियाँ इकट्ठे होकर हल्की आवाज में आसमान में चहचहाती हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टू ऑटम चैप्टर नंबर 15। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।